हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों अभी बज रहे हैं सुबह के 11 और अभी तक देखिए मैं दवा नहीं खाई हूँ। अभी तक मैं दवा खा रही हूँ क्योंकि आज सुबह से बारिश हो रही थी। रात में बहुत, रात भर बारिश हुई ना जी, रात भर हुआ था ना, रात भर बारिश हुई, रात भर बारिश हुई और सुबह तक होता रहा तो हम सोए ही रहे। और बारिश होती है तो नींद भी बहुत अच्छी आती है तो सोए ही रहे। 7 बजे के करीब उठे थे तो गए जो है कि खाना पीना बनाए नहाने धोने के बाद। और हाँ दोस्तों, आज मैं साड़ी पहनी हूँ और ये देखिए कैसा लग रहा है, आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। तैयार हुई, जल्दी चलना है वैक्सीन लगवाने। अच्छा आज वैक्सीन का टाइम है, जाना था हम लोग को 10 बजे लेकिन लेट हो गया, बारिश हो रहा था थोड़ा बहुत, तो अभी चलते हैं, वहाँ पे भी टाइम लगेगा। और तो अब हम रेडी हो गए हैं, बस दवा खाना बाकी है, बस एक दवा और है खा लेते हैं। और ऐसे भी मुझे कहीं जाना रहता है तो मेरा काम ही जल्दी नहीं होता है, बहुत ही ज्यादा टाइम लगता है। और ये हमको हमेशा डांटते रहते हैं, बहुत कड़वी लग रही है। अभी रोएंगी, वैक्सीन लगेगा तब ये रोएंगी, तब आप देखिएगा। रहेंगे आप जानते हैं, वैक्सीन से घबरा रही है कि हम नहीं लगवाएंगे, हमको बहुत डर लग रहा है। तो पानी थोड़ा सा पी लेते हैं। मैंने तो वैक्सीन लगवा नहीं, हम पी लिए हैं, मैंने तो वैक्सीन लगवा लिया है दोस्तों, और 1 महीने मेरे पूरे हो गए हैं वैक्सीन के। 23 जो है कि जून को लगा था मेरा वैक्सीन, और आज के डेट इनको शेड्यूल मिला है तो हम लोग चल रहे हैं वहाँ पे लगाने के लिए। तो हम रेडी हो गए हैं, आधार कार्ड ले लें। हाँ आधार कार्ड ले लीजिए। और ये देखिए हाँ। ये रहा हमारा आधार कार्ड, आधार कार्ड ले जाने से ही लगता है। हाँ, आधार कार्ड मांगेगा ना। और ये क्या है, वो है मोबाइल नंबर, ये जो रजिस्ट्रेशन किया गया था 4 अंक का रेफरेंस कोड है, आखिरी का कोड है। तो ये देखिए दोस्तों, ये लिख दिए हैं, लिखे हुए हैं, तो ये हम लेकर चलेंगे, लाइन में लगेंगे। तो अभी चलिए फिलहाल चलते हैं, घर से निकलते हैं, पर्स ले लेना। हाँ ले लीजिए, बहुत देर हो रहा है, चलिए फटाफट इसको ले लेते हैं। मोबाइल भी लेना। हाँ मोबाइल ले लीजिए। और कुछ बस पानी ले ले, क्या ले लीजिए, थोड़ा बोतल पानी। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं हम लोग फिर सेंटर पर। तो हम पानी भी ले लेते हैं क्योंकि वहाँ पे लाइन में लगना पड़ेगा, तो हो सकता है टाइम हो तो पानी ले लेते हैं। 2 घंटा और ऐसे भी आज ठंडा मौसम है, प्यास तो उतना लगेगा नहीं, लेकिन फिर भी फिलहाल ले लेते हैं। ठीक ठीक, ये बाहर से पानी भर लेते हैं। ठीक है, आइए आप। ठीक है, ठीक दोस्तों, आप लोग कमेंट करते हैं कि आप मास्क नहीं लगाते हैं, क्योंकि हम मास्क लगाते हैं तो हमको अच्छा नहीं लगता है, मतलब कि दम घुटने लगता है, तो इसलिए मैं मास्क ली हूँ। जब वहाँ पे ज़रूरत पड़ेगा तो मैं मास्क लगा लूँगी, और अभी मैं इसी में रख ले रही हूँ। तो चलिए फिलहाल अभी निकलते हैं। कैसे चलेंगे, स्कूटी से बाइक से? बाइक से। ये देखिए दोस्तों, ये बाइक लेकर आ रहे हैं और इसी बाइक से हम लोग चलेंगे वैक्सीनेशन करवाने। और ये बाइक हमको दहेज में मिला है। और कुछ, ये दहेज वाली बाइक है दोस्तों, और इन्हीं के नाम पर ये बाइक है, मनीषा पटेल के नाम से ये बाइक।
अब हम लोग हाईवे को छोड़ दिए हैं और इधर दूसरे साइड मुड़ गए हैं। इधर का रोड काफ़ी ख़राब है और इधर थोड़ा सा गांव की तरह लग रहा है। अभी यहाँ से हम लोग 3 किलोमीटर अंदर जाएंगे तो स्वास्थ्य केंद्र पड़ेगा, मिसीरपुर में पड़ता है, तो वहीं पे हम लोग चलेंगे। और ये हमारे घर से लगभग 5 किलोमीटर पड़ता है, तो 2 किलोमीटर हम लोग हाईवे को पकड़ कर आए और इसके बाद इधर मुड़ गए। यहाँ से हम लोग 3 किलोमीटर अंदर जाएंगे और यहाँ पे काफ़ी हरियाली है। ये देखिए दोस्तों, इधर धान की रोपाई की गई है और आज का मौसम भी काफ़ी अच्छा है। इधर देखिए लोग खेतों में धान रोप रहे हैं और पानी भी खेत में है। और यहाँ की हरियाली देखकर मुझे अपने गांव की याद आने लगी। ऐसे ही हमारे गांव में ही हरियाली रहती है तो काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पर इधर। और हाँ दोस्तों, आज मौसम भी काफ़ी अच्छा है, आज धूप बिल्कुल भी नहीं लग रहा है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है इधर का मौसम। और बस अब हम लोग पहुँचने ही वाले हैं। इधर देखिए सब लोग जा रहे हैं वैक्सीन लगवाने, ये सब इधर के लोकल लोग हैं। तो हम लोग पहुँच ही गए हैं दोस्तों। ये देखिए यहाँ पे आज तो बहुत ही कम भीड़ है, क्योंकि आज सुबह से बारिश हो रही थी, इस वजह से बहुत कम लोग आ पाए हैं यहाँ पर। बस यहाँ के जो लोकल लोग रहने वाले हैं यहीं सब यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, तो आज बहुत ही कम भीड़ है। वैसे तो यहाँ पे लाइन लगती है। और वो देखिए गए हैं वो पुर्जी कटवाने, वो जो कोड होता है वहीं लेने गए हैं, वहाँ पे लाइन में लगे हुए हैं। और इधर खिड़की से दे रहे हैं तो वो जो कोड मिलेगा वहीं लेकर हम लोग जाएंगे, तब वो वैक्सीन लगेगा। तो अभी हम इधर जो है कि खड़े हैं और ये लेकर आ गए हैं। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा जो है आधार कार्ड और वो जो कोड दिए हैं वहीं लेकर जाएंगे अंदर, तब हमको वैक्सीन लगेगा। तो यहीं देखिए दोस्तों, यहीं स्वास्थ्य केंद्र है मिसीरपुर में। और अब चलते हैं अंदर। और इधर देखिए दोस्तों, इस तरह से है कुछ। तो चलिए दोस्तों अंदर चलते हैं। और लोग देखिए, इधर के जो लोकल लोग हैं सब आए हुए हैं, वैक्सीन लगवा रहे हैं। और जेंट्स और लेडीज दोनों लोग हैं। तो यहाँ पे जो है कि जेंट्स का अलग लग रहा है वैक्सीन। इधर देखिए, इधर जो हैं इधर जेंट्स लोगों का लग रहा है। तो अभी मैं यहीं पे खड़ी हूँ, मुझे मालूम नहीं था। तो ये जो है कि बता रहे हैं कि इधर आप लोगों का नहीं लगेगा, उधर लगेगा। तो ये देखिए, ये लगवा रहे हैं, इधर जेंट्स लोगों का लग रहा है। तो ये मैम बता रही हैं कि इधर आप लोगों का नहीं लगेगा, उधर लगेगा। तो हम इधर चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे लेडीज लोग लगवाती हैं। ये देखिए, ये बैठी हुई हैं, इनको लग रहा है वैक्सीन लग गया। और अब हमारा नंबर है। ऐसे तो दोस्तों हमें सुई से बहुत ही डर लगता है, इंजेक्शन से, और मुझे डर भी लग रहा है। तो इधर का मैं की हूँ, अभी मैं देखी ही नहीं हूँ कि वैक्सीन निकाल रही हैं कि नहीं निकाल रही हैं। तो लग गया दोस्तों। और हाँ, यहाँ पे कैमरा जो है कि ऑन नहीं करने दे रहे थे, डांट रही थी इन लोग, तो इस वजह से बहुत ही कम हम लोग दिखा पाए। लग गया वैक्सीन, देखें, हाथ दिखा, हाथ दिखा। यही बैठो, इधर आ। दोस्तों वैक्सीन हमारा लग गया है। और अंदर जब वैक्सीन लग रहा था तो उस टाइम हम रिकॉर्डिंग नहीं कर पाए, क्योंकि वहाँ पे मना कर रहे थे, कैमरा अंदर नहीं ले जाने दे रहे थे। तो अभी हम थोड़ा सा यहाँ पे बैठे हुए हैं, रेस्ट ले रहे हैं और वैक्सीन हमारा लग गया है। 10 मिनट बाद यहाँ चलेंगे ना। कौन सा सेंटर है ये? सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मिसरीपुर। मिसरीपुर।
बता दीजिए कि मैं घर पे आ गई हूँ दोस्तों, टाइम देख लीजिए। आप बोल दीजिए। बहुत हरासमेंट हो गया, आप बोल दीजिए ना। क्या हुआ, तबीयत खराब हो गया? हाँ। ठीक हो ना? हाँ, ठीक। क्या हुआ? आप बोल दीजिए। बताओगे तब ना क्या हुआ तुमको? क्या हुआ, तबीयत नहीं ठीक है क्या? नहीं, सोई लग गया, दर्द कर रहा है। दर्द कर रहा है? दर्द कर रहा है। हाँ। कैसा महसूस हो रहा है? बस शांति शांति लग रहा है। हाथ में दर्द भी हो रहा है? हाँ। अभी जाके दो दिन दर्द करेगा, आराम करिए आप। तो मेरा काम आप करेंगे? हाँ हाँ करेंगे, आपका काम करेंगे ना। चलिए आराम करिए, बता दीजिए कि मैं आ गई दोस्तों। मैं वैक्सीनेशन वैक्सीनेशन बोलने भी नहीं यार आपको अंग्रेजी में। वैक्सीनेशन तो बता दीजिए, सीधे टीका लगवा लिया है मैंने, काम खत्म हो जाएगा, कोरोना का टीका लग गया ना? तो अच्छा। सबसे अच्छा बात है, जो आपको आता वही बोलिए, जो नहीं आता क्यों बोल रही है उस चीज़ को। अब बोलिए कि टीका मैंने लगवा लिया है कोरोना का, और क्या दोस्तों। मैं वैक्सीन लगवा के आ गई हूँ, और जब मुझे वैक्सीन लग रहा था तो उस टाइम मैं, मुझे पता ही नहीं चल रहा था। वैसे तो मैं इंजेक्शन से बहुत ज़्यादा डरती हूँ, और वहाँ पे जब मुझे पीछे मुड़ी करके मतलब बैठाया गया, वो विपरीत दिशा में हम थे तो बैठाया गया, तो वैक्सीन निकाली, पता नहीं इसमें दवा डाली कि नहीं डाली, मैं देखी भी नहीं, और ऐसा लगा कि जैसे कि कोई चींटी की तरह काटे, बस वैसे ही थोड़ा सा पता चला। और हमको दर्द नहीं महसूस हुआ, लेकिन जब वैक्सीन लगवा के बाहर आए तो हम मुझे दर्द महसूस होने लगा, और जो है कि अब तो ठीक है, लेकिन मेरा ये हाथ अभी दर्द कर रहा है। देखिए आगे क्या होता है, अभी तो कुछ ऐसा कुछ नहीं महसूस हो रहा है बुखार टाइप का, लेकिन हमको लगता है कि शाम तक होगा थोड़ा सा हरासमेंट, अभी तो ठीक है, तो अभी मैं आराम करती हूँ। दोस्तों अगर आप लोग भी वैक्सीनेशन नहीं करवाए हैं तो प्लीज़ आप लोग भी करवा लीजिए, क्योंकि अब कोरोना की तीसरी लहर शुरू होने वाली है। इससे पहले आप सभी लोग वैक्सीनेशन करवा के खाली हो जाइए, बस यही कहना चाहती हूँ आप लोगों से। तो आज का हमारा ब्लॉग का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अब हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।